हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सुतार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीओ संस्था की अकाउंटिंग किस तरीके से मेंटेन की जाती है और अदर बिजनेस से और एनपीओ संस्था की अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। और आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं एक स्कूल की अकाउंटिंग का। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि ये वीडियो टेली और अकाउंट्स के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर भी जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें। अगर फ्रेंड्स आप टैली और अकाउंट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके और प्रैक्टिकल रूप से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर सभी ये वीडियो अवेलेबल है, आप उन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीओ के बारे में कि एनपीओ होता क्या है। एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी कोई संस्था जो बगैर किसी प्रॉफिट के अपना वर्क करती है, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, या ऐसी कोई अकेडमी जो एनपीओ के अंडर में रजिस्ट्रेशन होती है। तो बात अगर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो फ्रेंड्स जब हम किसी ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं या किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं या किसी अदर टाइप के सर्विसेज की बिजनेस की अकाउंटिंग हम मेंटेन करते हैं, तो हमने देखा है हम उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी क्रिएट करते हैं, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। लेकिन जो संस्था एनपीओ में रजिस्ट्रेशन होती है उसमें न तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता और न ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता, तो उसकी जगह दो ये नए लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, दो नए अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो ये तीन तरीके की अकाउंट्स हमें फाइनल स्टेटमेंट के दौरान क्रिएट करनी पड़ती है। तो आज हम एग्जांपल लेंगे एक स्कूल का, यानी कि स्कूल की अकाउंटिंग किस तरीके से मेंटेन की जाती है और उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी टेली ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैंने एक कंपनी ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से। हालांकि ये जब कंपनी क्रिएट करते हैं, जब अदर बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त जो कंपनी क्रिएट करते हैं सेम वही प्रोसेस इसी कंपनी का ही रहता है, लेकिन जब हम अदर बिजनेस की कंपनी क्रिएट करते हैं, जैसे ट्रेडिंग की होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो सबसे पहले हमें GST इनेबल करना होता है। लेकिन हम किसी भी स्कूल्स की या किसी भी ऐसे एनपीओ संस्था की अगर हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हमें GST को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सब कुछ GST से बाहर होते हैं। लेकिन कोई भी अकाउंटिंग की वाउचर की एंट्री करने से पहले हम कुछ जो वर्क होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, वो हमें चालू करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 और F11 प्रेस करने के बाद हमें फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंटिंग फीचर का। हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद हमें सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा मेंटेन अकाउंट्स ओनली। मेंटेन अकाउंट्स का ओनली मतलब आप इस संस्था के अंदर केवल और केवल अकाउंट्स ही मेंटेन करोगे, आपको इन्वेंट्री से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनपीओ में नहीं तो कोई स्टॉक आइटम परचेज होती, नहीं कोई स्टॉक आइटम हम सेल करते, हम केवल मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस करेंगे। और उसके बाद एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा वी यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जब हम ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन जब एनपीओ की कंडीशन में हम इनकम एंड एक्सपेंसेस को यूज करेंगे तो इसको भी हम यस करेंगे। और उसके बाद मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, इसे भी हम यस करेंगे। तो इनमें सबसे पहले कोई भी वाउचर की एंट्री करने से पहले इन तीन फंक्शन को इनेबल करना कंपलसरी है और इसे मैं कंट्रोल A से एक्सेप्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम इसको एक मॉड्यूल को समझते हैं कि हमें कौन कौन से लेजर क्रिएट हमें करने पड़ेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमें, जैसे ये हमारी स्कूल की रिसिप्ट है, जब स्टूडेंट्स हमें फीस देते हैं तो हम उसे जो रिसिप्ट हम देते हैं उसकी ये रिसिप्ट है, और इस रिसिप्ट में हमने अलग अलग टाइप के ये पर्टिकुलर्स लिए, इसमें एडमिशन फीस भी है, लाइब्रेरी फीस भी है, ट्यूशन फीस भी है, कंप्यूटर फीस भी है, गेम फीस भी है, ट्रांसपोर्टेशन फीस भी है, इसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट फीस भी हमने इंक्लूड की हुई है। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं इसमें कुछ अदर भी जोड़ देते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा एक लिया हुआ है। अगर और भी होता है किसी भी टाइप की फीस अगर कोई संस्था या लेती है तो उसे भी हम इंक्लूड कर देंगे।
और ये रसीद है जो STC001 है, 1 जुलाई 2020 को ये रिसिप्ट की डेट है। ये स्टूडेंट का नेम है राजेश कुमार, फादर्स नेम है विजय कुमार और इसकी क्लास है 5वीं क्लास यानी कि 5th क्लास का ये स्टूडेंट है। और ये जो फीस का जो मॉड्यूल हमने लिया हुआ है यहाँ पर, ये मंथली मोड पे लिया हुआ है और इसकी जो फीस है वो जुलाई टू मार्च यानी कि 9 महीने की फीस हमने चार्ज करी हुई है। तो सबसे पहले हम जितने लेज़र हमें क्रिएट करनी होगी वो लेज़र सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं टेली पे। और लेज़र क्रिएट करने से सबसे पहले हमें कॉस्ट सेंटर हमारे बनाने पड़ेंगे, जिससे हमारी अकाउंटिंग है जो थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट शो होने लग जाएगा जब हम उस फंक्शन को यस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मर और उसके बाद में कॉस्ट सेंटर पर, और कॉस्ट सेंटर पर जाने के बाद हम करेंगे क्रिएट। अब कॉस्ट सेंटर का मतलब हो गया कि हम कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक हम स्टडी करवाते हैं। तो जैसे हम क्लास हमारी फर्स्ट भी है तो हम यहाँ पे एक कॉस्ट सेंटर बनाएंगे क्लास फर्स्ट, और इसे एंटर प्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से क्लास सेकेंड रहेगी और इसी तरीके से क्लास हमारी थर्ड भी रहेगी, इसी तरीके से क्लास हमारी फोर्थ भी रहेगी। इस तरीके से जहाँ तक हम स्टडी करवाते हैं वहाँ तक हमें सारे कॉस्ट सेंटर जो क्रिएट करने पड़ेंगे। 6th की भी रहेगी, क्लास 7th की भी रहेगी, इसी तरह क्लास 8th की भी रहेगी, क्लास 9th की भी रहेगी, क्लास 10th की भी रहेगी, इसी तरीके से क्लास 11th की भी रहेगी। अब क्लास 11th में आने के बाद हमारे पास 4 अलग अलग तरीके की फैकल्टी बन जाती है, यानी कि कोई स्टूडेंट्स आर्ट्स का भी हो सकता है, कॉमर्स का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है और एग्रीकल्चर का भी हो सकता है। तो हम क्लास 11th के हम 4 अलग अलग सेंटर क्रिएट करेंगे। जो पहला हम क्रिएट करेंगे आर्ट्स, और इसी तरीके से साइंस का, इसी तरीके से हम क्लास का कॉमर्स का, और इसी तरीके से हम एग्रीकल्चर का, और इसी तरीके से हमें 12वीं क्लास का भी एग्रीकल्चर कॉमर्स साइंस और आर्ट्स के 4 ये अलग अलग कॉस्ट सेंटर में क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से हम 12th क्लास आर्ट्स कॉमर्स साइंस और एग्रीकल्चर को इंटरप्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। हम वापस एस्केप करते हुए हमें अकाउंट्स में जाने के बाद लेज़र क्रिएट करने होंगे जो हमने इस रिसिप्ट में दे रखे हैं। अब जैसे एडमिशन फीस भी है, लाइब्रेरी फीस भी है, ट्यूशन फीस भी है, कंप्यूटर फीस भी है, गेम फीस भी है, और जितने भी हमारी फीस हैं वो सभी के हम लेज़र यहाँ पर अलग अलग क्रिएट करेंगे। एडमिशन फीस, तो इससे स्कूल की इनकम जनरेट होती है तो इसमें हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, और इसे नॉट एप्लीकेबल करते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका जो कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल इसे यस रखना, इसे नो नहीं करना। और एंटर प्रेस करते हुए हम इसे सेव करेंगे। इसी तरीके से लाइब्रेरी फीस है, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, इसे भी हम सेव करेंगे। इस तरीके से ट्यूशन फीस भी है, और कंप्यूटर फीस भी है, गेम फीस भी है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी है, इसे हम कन्वेंसेस भी बोल सकते हैं। और TC/CC फीस भी है, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट फीस जो कई स्कूल ले लेते हैं उसकी भी है, और एक है
अदर, और एक किस्म आएगी हमारे पास लैब फीस इनडायरेक्ट इनकम में। तो इस तरीके से सारे लेजर हमने जो क्रिएट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सामने जो रसीद है ST-001 ये राजेश कुमार की, हम यहाँ पर केवल एक मंथ का ही डाटा लेके हम चल रहे हैं। तो अब जैसे एक मंथ की जो इसकी फीस है वो 2850 रुपये की आ रही है, तो सबसे पहले हमें इस स्टूडेंट को 2850 रुपये से डेबिट हमें करना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और इसे F7 में जर्नल वाउचर की एंट्री करेंगे, और डेट हम ले लेंगे वो 1 जुलाई से। तो स्टूडेंट का नाम है राजेश कुमार, सन ऑफ विजय कुमार, और ये 5th क्लास का स्टूडेंट है। इसके आगे हम 5th यहीं पे ही लिख देंगे, और हम इसको रखेंगे लोन एंड एडवांसेस में, हम इसे सैंडी डेप्टर्स में नहीं रखेंगे। और इसकी एंट्री हम करेंगे 2850 रुपये से इसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट हम कर देंगे सबसे पहले एडमिशन फीस कितनी आनी है 1000 रुपये। और इसका जो कॉस्ट एप्लीकेबल जो हमने कॉस्ट सेंटर जो हमने बनाए थे तो वो अब हम पर देना पड़ेगा कि कौन सी क्लास की फीस हम जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी क्लास 5th। तो इसी तरीके से जो सेकंड फीस थी हमारे पास लाइब्रेरी फीस, और लाइब्रेरी फीस है इसकी 50 रुपये, और ये भी 5th क्लास का है। और इस तरीके से ट्यूशन फीस, जो ट्यूशन फीस है इसकी 500 रुपये की है, और ये भी 5th क्लास की है। तो इस तरीके से सारी जितनी भी फीसेस हमने इससे चार्ज ली है स्टूडेंट से, वो सब भी क्रेडिट हमें करनी पड़ेगी। गेम फीस भी आएगा इसमें 100 रुपये, और ट्रांसपोर्ट फीस 800 रुपये 5th क्लास, और TCCC फीस 100 रुपये की। तो इस तरीके से ये 2850 रुपये डेबिट और 2850 रुपये सारे क्रेडिट हो जाएंगे, और ये भी 5th क्लास की है। और इंटरप्रेस करते हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था इसका स्टूडेंट का रिकॉर्ड। सबसे पहले हम इस खाते में इसको डेबिट हम करेंगे, और उसके बाद में हम इसे क्रेडिट करेंगे स्टूडेंट को ही जब ये हमें पैसे दे जाएगा। और जब हम पैसे दे जाएगा तो इसकी रिसिप्ट की एंट्री हम सेम डेट ही जिस दिन ये रसीद इसके खाते में कटी है 1 जुलाई को, तो उसके बाद में इसकी रिसिप्ट की एंट्री हम करेंगे। यहाँ पे रिसिप्ट नंबर ST-001, और जो डेट है इसकी 1 जुलाई की, 1 जुलाई में हम इसकी एंट्री करेंगे, और क्रेडिट हम वापस कर देंगे राजेश कुमार को 2850 रुपये से। और ये हमें कैश देके गया है तो हम इसे कैश करेंगे, अगर हमें इसकी चेक वगैरह दे जाता तो हम इसे बैंक को डेबिट कर देते हैं। या इसका जो हम नरेशन लिखेंगे यहाँ पे वी फीस रिसीव्ड मंथ ऑफ जुलाई 2020, और इंटरप्रेस करते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से हम जो रसीद नंबर 2 है उसकी एंट्री भी हम कर देंगे, सुरेश कुमार राम कुमार, ये भी 5th क्लास का स्टूडेंट है, तो इसकी भी हमें एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, और इसका भी लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा सुरेश कुमार, सन ऑफ राम कुमार, और ये भी 5th क्लास का स्टूडेंट है, इसे भी हम लोन इन एडवांसेस में ही रखेंगे। और इसे हम जो डेबिट करने वाले हैं इसकी नेट अमाउंट से 2850 से ही, तो सेम वही प्रोसेस रहने वाला है इसका। एडमिशन फीस इसकी 1000 रुपये, और ये भी 5th क्लास का स्टूडेंट है, तो इस तरीके से इसकी लाइब्रेरी फीस 50 रुपये की, ट्यूशन फीस 500 रुपये की, कंप्यूटर फीस 300 रुपये की, और गेम फीस
1000 और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट 800 रुपये और TCCC फीस 100 रुपये। इस तरीके से हम इसको डेबिट करके और इन सभी इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे और उसके बाद में सेम डेट को हम इसकी जब अगर नगद दे गए तो हम इसकी रिसिप्ट संख्या 2 से इसको वापस हम क्रेडिट करेंगे स्टूडेंट के नाम से, जिस नाम से हमने लेज़र क्रिएट किया था सुरेश कुमार सनोप राम कुमार के नाम से। 2850 रुपये इसके क्रेडिट हो जाएंगे और कैश को हम इसको डेबिट करेंगे। सेम वही आ जाएगा, बी फीस रिसीव्ड मंथ ऑफ जुलाई 2020 की आ चुकी है और इसे हम इंटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेव करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो टोटल हमारे पास रिसिप्ट है ये आ गई रिसिप्ट नंबर 3 और ये है क्लास 6 की, ये है मुकेश कुमार सुरेश कुमार। तो सेम हमें इसकी भी जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ेगी, मुकेश कुमार सनोप सुरेश कुमार के नाम से, ये भी लोन है एडवांसेस में रहेगा। और इसे हम जो डेबिट करने वाले हैं वो करेंगे 3400 रुपये से, क्योंकि ये 6 क्लास का है तो कुछ एडमिशन फीस वगैरह इसमें भी इंक्रीज हुआ है, तो हम इसे 3400 रुपये से डेबिट करेंगे और वापस हम जिस क्रेडिट जो करेंगे हमारी इनकम को करेंगे। एडमिशन फीस इसकी 1200 रुपये है। अब ये 6 क्लास का स्टूडेंट है, ये हमें ध्यान रखना है, हम यहाँ से जो हमारा कॉस्ट सेंटर है वो क्लास 6 को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से लाइब्रेरी फीस और लाइब्रेरी फीस 50 रुपये, ये भी 6 क्लास का स्टूडेंट है। ट्यूशन फीस इसकी 600 रुपये है, ये भी 6 क्लास का स्टूडेंट है। उसके बाद कंप्यूटर फीस, गेम फीस 100 रुपये से, ये भी 6 क्लास का है। हमें कॉस्ट सेंटर का विशेषकर ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का 1000 है, 6 क्लास का है। TCCC फीस इसकी 100 रुपये ही है और ये भी 6 क्लास के। इस तरीके से इसके हम जनरल एंट्री इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद में रिसिप्ट की एंट्री हम ST003 के नाम से इसकी रिसिप्ट हम वापस क्रिएट कर देंगे मुकेश कुमार सनोप सुरेश कुमार 3400 रुपये से। मुकेश कुमार 3400 रुपये से क्रेडिट और हम कैश को करेंगे डेबिट, क्योंकि ये सारी जो रिसिप्ट है वो हमें कैश के थ्रू ही रिसीव्ड हुई है। तो इसी तरीके से ये रसीद नंबर 4 है, ये है 10th क्लास की वीरेंद्र और रवि कुमार की, तो इसकी भी हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी और लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट का वीरेंद्र सनोप रवि कुमार के नाम से। रवि कुमार और ये 10th क्लास का स्टूडेंट, और इसके जो लेज़र में हम नेट अमाउंट जो डेबिट करने वाले वो 5600 रुपये हम इसके खाते में डेबिट करेंगे और क्रेडिट सेम वही चीज़, एडमिशन फीस इसकी 1500 रुपये और ये 10th क्लास का है इसलिए हम क्लास 10th यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और लाइब्रेरी फीस 200 रुपये 10th क्लास। इस तरीके से ट्यूशन फीस इसकी 1700 रुपये। उसके बाद कंप्यूटर फीस है 500 रुपये 10th क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में गेम फीस 200 रुपये 10th क्लास। ट्रांसपोर्ट 1400 रुपये 10th क्लास। TCCC 100 रुपये 10th क्लास। इस तरीके से और सेम डेट में हम इसे रिसिप्ट करेंगे और इसकी जो डेट है वो 3 जुलाई है, तो हम इसे 3 जुलाई में से रिसिप्ट करेंगे इसकी। और रसीद संख्या 4 और स्टूडेंट का नाम था वीरेंद्र कुमार, और इसे हम 5600 रुपये से वापस क्रेडिट करेंगे और कैश को हम इसे डेबिट करेंगे। और इस तरीके से हम पी फीस रिसीव्ड मंथ ऑफ जुलाई 2020 का नरेशन हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो इसी तरीके से रसीद संख्या 5 भी रहेगी, ये भी 3 जुलाई की है और ये 12वीं क्लास की है और ये साइंस के फैकल्टी की है, तो इसकी भी इंटरम सेम उसी तरीके से करने वाले हैं। स्टूडेंट का नाम हमें बनाना पड़ेगा शिव के सनोप श्यामलाल के नाम से।
श्यामलाल और ये बार्थ साइंस का स्टूडेंट है। तो हम इसे जो डेबिट करने वाले हैं 4500 रुपये से, और क्रेडिट हम करेंगे एडमिशन फीस जो इसकी है 1500 रुपये। और अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 12, और 12 के अंदर जिसका फैकल्टी का ये स्टूडेंट है, यानी कि ये साइंस का स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पर भी इसमें से 12 क्लास साइंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइब्रेरी फीस इसकी 200 रुपये की, 12 और ये साइंस का स्टूडेंट है। ट्यूशन फीस है इसकी 1500 रुपये पर मंथ। कंप्यूटर फीस 500 रुपये। ये फीस कम ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने फॉर एक डमी के लिए मैंने एक एग्जांपल ग्रुप में ये बनाया हुआ है। इसी तरह इसके लैब फीस, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट है उसको लैब की भी ज़रूरत रहेगी, 500 रुपये। और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, इसका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, तो TCC भी रहेगा 100 रुपये से। और हम यहाँ पर भी इसको 12वीं क्लास साइंस को सिलेक्ट करेंगे और इंटरप्रेस करते हैं, इसे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इसकी सेम डेट को ही इसकी एंट्री हम रिसीव कर लेंगे 3 जुलाई को ही, और रसीद संख्या इसकी आ जाएगी 005। सिर्फ कैश को हम क्रेडिट करेंगे 4500 रुपये से, और कैश को हम करेंगे डेबिट। इस तरीके से फीस रिसीव्ड मंथ ऑफ जुलाई 2020 की आ चुकी है। इस तरीके से रसीद संख्या हमारी जो लास्ट है 6 नंबर, और जो 6 नंबर जो रिसिप्ट है वो है कमल सिंह महेंद्र सिंह, और ये 12वीं क्लास का, और ये आर्ट्स का स्टूडेंट है। तो इस तरीके से एक जर्नल एंट्री इसकी भी हमें करनी पड़ेगी, कमल सिंह सुनो महेंद्र सिंह, ये भी लोन एडवांस में रहेगा। तो इसे हम जो डेबिट करेंगे वो 3500 रुपये से डेबिट करेंगे। और सेम इसी तरीके से एडमिशन फीस, जो एडमिशन फीस है इसकी 1400 रुपये, और ये 12वीं क्लास का आर्ट्स का स्टूडेंट है, तो हम इसमें आर्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से लाइब्रेरी फीस जो है 200 रुपये, ट्यूशन फीस है इसकी 1300 रुपये की, आर्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद कंप्यूटर फीस हम इसकी बिल्कुल 0 है, तो कंप्यूटर फीस को हम यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गेम फीस आएगा, तो हम यहाँ को इसको गेम फीस करेंगे 200 रुपये से, आर्ट्स का है। और उसके बाद में जो फीस आई है ट्रांसपोर्ट, और वह है 300 रुपये, 12 आर्ट स्टूडेंट्स, और TC 100 रुपये से, 12वीं क्लास से आर्ट का स्टूडेंट से। इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, और सेम डेट को हम इसकी रिसिप्ट की एंट्री करेंगे जिस तारीख में इसकी रिसिप्ट आई है, 3 जुलाई, और रिसिप्ट का नंबर रहेगा 6। और यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे कमल को 3500 रुपये से, और हम डेबिट करेंगे कैश को। तो इस तरीके से जुलाई मंथ की इसकी फीस है जो रिसिव्ड हो चुकी है। ये तो थी सारी हमारी जो स्कूल की इनकम, जिसमें यानी कि रेवेन्यू जनरेट होती है, जो सारी स्कूल के फीस से होगी। अब उसके बाद में स्कूल के कुछ मिसलेनियस खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी भी हो गया, कुछ हमारे मिसलेनियस खर्चे हो गए, मतलब बिल्डिंग का किराया भी हो गया, तो ऐसे कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक स्कूल का एक बनाया हुआ एक डेबिट नोट है, जो कि 150 रुपये का खर्चा हो चुका स्कूल से, और इसे हम डेबिट करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस को। और इसका जो नरेशन है, इसमें हमने फाइल्स है, बॉल पेन है, कुछ रजिस्टर वगैरह परचेज किए थे ABC बुक्स के डीलर से। अगर हमें ABC बुक्स डीलर वाला अपनी शॉप का जो इनवॉइस है वो हमें दे देता, तो हमें ये डेबिट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उस ABC बुक्स वाले ने हमें वाउचर्स नहीं दिया इसका, तो हमें स्कूल की तरफ से जो सेल्फ मेड डेबिट नोट वाउचर होता है वो हमें बनाना पड़ेगा। और इसकी एंट्री हम हमारे टैली में करेंगे पेमेंट वाउचर में, और हम करेंगे F5 प्रेस। और सबसे पहले यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे डेबिट नोट को, डेबिट नोट 1, और डेबिट नोट की जो डेट है
जुलाई, 2 जुलाई, और हम यहां पर भी स्टेशनरी एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा, और खर्चे को हम सारा नो करेंगे कॉस्ट सेंटर को, और ये 150 रुपये, और केस हो जाएगी क्रेडिट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम नरेशन भी लिख सकते हैं, हमने बॉल पेन, रजिस्टर और फाइल्स वगैरह हमने परचेज करी है, और इंटर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये था हमारे बिजनेस का एक खर्चे का वाउचर। तो इस तरीके से खर्चे हमारे पास और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने एक सैंपल के रूप में एक एक्सपेंसेस डाला। इस तरीके से हम बिल्डिंग के रेंट का भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस का भी हम एंट्री कर सकते हैं, बी हम कर सकते हैं, अलग किसी भी टाइप की है, कोई पोस्टेज कोरियर्स की है, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस है, किसी और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं एनपीओ में जिसकी एंट्री हम सेम इसी तरीके से पेमेंट वाउचर में जाके करेंगे। तो एक वाउचर हमारे पास ये भी है 2 जुलाई का, यानी कि हमने श्री श्याम फर्नीचर से ये स्कूल के लिए फर्नीचर परचेज किया था, सेलो चेयर 5 पीस हमने परचेज करी है, तो इसकी एंट्री भी हम करेंगे, क्योंकि इसका भी जो स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से इशू हुआ है। तो इसकी जो हम एंट्री करने वाले हैं वो जर्नल वाउचर में करेंगे, क्योंकि परचेज वाउचर में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का नहीं है, और ये जो गुड्स हमने परचेज किया ये कोई सेल बेसिस नहीं किया है। तो यहाँ पर हम एक फर्नीचर का एक अलग से लेजर क्रिएट करेंगे, फर्नीचर, और इसे अंडर में हम रखेंगे फिक्स्ड असेट्स, और एंटर प्रेस करते हैं हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, और जो इसकी इनवॉइस की जो अमाउंट है, नेट अमाउंट है जो, उसी से हम इसे डेबिट करेंगे 2125 रुपये से। हालांकि इसमें SGST CGST लग के आए हुए, लेकिन उसका हमें कोई इनपुट का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, और ये हमने बिल्कुल क्रेडिट में खरीदा है, तो उसका पार्टी का लेजर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, श्री श्याम फर्नीचर। और इसे हम अंडर में रखेंगे करंट लाइब्रेरीज के, और एंटर प्रेस करते हैं हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर इसका इनवॉइस नंबर हम लिखेंगे भी, इनवॉइस नंबर जो हमारे पास आया है इसका 149, और यहाँ पर हम लिखेंगे भी सेलो चेयर्स परचेज 5 पीसेस, और इस एक्सेप्ट करेंगे। और ये कि बैंक का वाउचर भी है जिसमें हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर लेज़र ओपन करवाया, उसमें 10,000 हमने कैश डिपॉजिट करवाया है 5 जुलाई 2020 को, तो इसकी एंट्री भी हम करने वाले हैं, और इसकी एंट्री हम करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। हम कैश को करेंगे क्रेडिट, सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे 5 जुलाई 10,000 रुपये, और डेबिट हम करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को, और ये अंडर में रहेगा बैंक अकाउंट, और एंटर प्रेस करते हैं हम, और इसका जो अकाउंट नंबर है अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करते हैं हम इसे एक्सेप्ट करते हुए सेव करेंगे। और इसके अगर हम जो समरी है हमारी, अगर वो हम डिपॉजिट करें भी 500 के, हमने 20 नोट हमने जमा कराए हैं, 500 × 20 करेंगे तो ये 10,000 ऑटोमेटिक ही एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे कैश डिपॉजिट, और इंटर प्रेस करते हुए भी हम सेव करेंगे। उसके बाद एक वाउचर हमें ये भी मिला है, कैश रिसिप्ट वाउचर, यानी कि श्री श्याम फर्नीचर वालों की तरफ से हमने उनको 1,000 रुपये का नकद भुगतान किया 6 जुलाई को, तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करने वाले हैं। हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, और उसका रिसिप्ट का नंबर है जो हमें मिला है 857, इसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे, और उसके बाद इसका जो डेट है 6 जुलाई 2020, तो हम डेट भी 6 जुलाई 2020 को करेंगे, और श्री श्याम फर्नीचर को डेबिट करेंगे 1,000 रुपये से, और हमने इसको नगद भुगतान किया तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे कैश पेड अगेंस्ट फर्नीचर, जो हमने इसे चेयर परचेज करी थी उसके अगेंस्ट में हमने इसको भुगतान किया है। और उसके बाद हमारे सामने ये जो स्कूल के स्टाफ हैं जिन्हें हम सैलरी पर मंथ देनी है उनकी डिटेल है, यानी कि एक सतपाल सिंह टीचर है, विजेंद्र सिंह टीचर है, विकास शर्मा है, राजेश कुमार है और राजेंद्र कुमार है।
इन्हें 2000 रुपये पर मंथ, 1500 रुपये, 1500 रुपये, 1500 रुपये और 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनको सैलरी का भुगतान करना होता है। तो इसकी एंट्री हम मंथ एंड पे यानी कि 31 जुलाई को हम इसकी एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी सभी की। तो सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे 31 जुलाई और जर्नल एंट्री में करनी पड़ेगी। हम जर्नल एंट्री कर रहे वक्त सबसे पहले हम लेज़र में क्रिएट करना पड़ेगा सैलरी का, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहने वाला है। इंटर प्रेस करेंगे, हम टोटल जो भुगतान करते हैं वो 7700 रुपये का करते हैं, तो 7700 रुपये का हम इसे डेबिट करेंगे। और जो जो स्टाफ है स्कूल के नाम से उनके सभी के नाम से हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे और इनके क्रेडिट करते जाएंगे। जैसे सबसे पहला सतपाल का है, तो हम LC से यहाँ से नया लेज़र हम क्रिएट कर लेंगे सतपाल सिंह, और इसके आगे हम इसका हिंट दे देंगे एज ए स्टाफ। इंटरप्रेस करते हैं, इन्हें भी हम करंट लाइब्रेरीज में ही रखेंगे और इनकी जो सैलरी है वो 2000 रुपये पर मंथ है। इस तरीके से विजेंद्र सिंह 1500 रुपये पर मंथ, ये भी करंट लाइब्रेरीज में रहेंगे 1500 रुपये, और विकास शर्मा करंट लाइब्रेरीज 1500 रुपये पर मंथ, और राजेश कुमार ये भी 1500 रुपये, और राजेंद्र कुमार ये भी करंट लाइब्रेरीज में रहेंगे, और ये 1200 रुपये पर मंथ रहेगी। तो ये इनकी पर मंथ की जो सैलरी हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी वो हर मंथ की एंड डेट पे हम इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम जैसे में लिखेंगे मंथ ऑफ जुलाई 2020 और इंटर प्रेस करते हैं, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके बाद में हमारे पास एक चेक है जिसको हमने सतपाल सिंह को 2000 रुपये का 31 तारीख को ही भुगतान कर दिया चेक के थ्रू, तो इसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो हम F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एंटर करेंगे चेक का नंबर, जैसे 124 101, तो चेक नंबर 124 101 और 31 तारीख को ही हमने भुगतान किया तो सतपाल, और 2000 रुपये से हम डेबिट करेंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा को हम इसे क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर भी हम चेक नंबर ही लिखेंगे 124 101, और इंटरप्रेस करते हुए मैं यहाँ पे लिखेंगे हम सैलरी पेड, और इंटरप्रेस करते हुए सेव कर देंगे। तो इस तरीके से सारी एंट्री हमने इस NPO संस्था में जो हमने वाउचर क्रिएट कर रखे थे उसकी एंट्री सारी टेली ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पोस्टिंग कर दी है। तो हम इसकी एक बार हम रिपोर्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो इस तरीके से टोटल जो इनकम जो जनरेट हुई है वो 22700 रुपये की इनकम जनरेट हुई है अलग अलग हेड से, जैसे कि एडमिशन फीस से हमें 7600 रुपये मिले हैं, कंप्यूटर फीस से 1950 रुपये में मिले हैं, गेम फीस से 900 रुपये मिले हैं, यानी कि ये डाटा केवल एक मंथ का ही है। और इसके बाद में जो एक्सपेंसेस जो हमारे रहे हैं वो सैलरी की अभी तक हमने एंट्री करी है जो 7700 रुपये देने थे, और उसके बाद में एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर जिसे हम सरप्लस कह देते हैं जब ट्रेडिंग अकाउंट की बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उस वक्त हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, और NPO की संस्था में लिखा जाता है इसको सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि जितनी हमारी इनकम हुई है उसमें खर्चे लेस होने के बाद हमें इतना हमारे पास अभी भी सरप्लस रहा हुआ है जुलाई मंथ के एंड तक का। और इसमें अगर हम कॉस्ट वाइज अगर इसकी डिटेल देखना चाहें कॉस्ट सेंटर वाइज भी हमें 5th क्लास से कितना एडमिशन फीस हमें रिसीव हुआ है, 6th क्लास से कितना हुआ है, 12वीं क्लास से हुआ है, तो 12वीं क्लास के आर्ट से कितना हमें इनकम जनरेट हुई है, तो वो सब कुछ डिटेल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्प्ले पर जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे, और अकाउंट्स पर जाने के बाद हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर पर, और कैटेगरी समरी अगर आप देखना चाहोगे इसकी तो ये सारी क्लास 10 से आपको इतनी फीस जनरेट हुई है, क्लास 12 की आर्ट से इतनी फीस जनरेट हुई है, क्लास साइंस से आपको इतना अभी पैसा मिला है, क्लास 5th इतना मिला है, क्लास 6th से आपको इतना पैसा रिसीव हुआ है। तो ये सब कुछ आपको प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल जाएगा।
तो हर तरीके की डिटेल इसके अंदर ओपन हो सकती है। लेजर ब्रेकअप आप देख सकते हो, खाली एडमिशन फीस देखना चाहते हो तो अगर एडमिशन फीस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एडमिशन फीस की केवल डिटेल मिलेगी भी इसमें आपने भी 10th क्लास से आपको इतनी जो एडमिशन फीस है वो रिसीव हुई है और क्लास 12 आर्ट से इतनी हुई है, क्लास 12 साइंस से इतनी हुई है, क्लास 5 से इतनी हुई है, क्लास 6 क्लास से इतना हुआ है। तो हमें यहाँ से भी पता चलेगा कि हम किस टाइप का लेज़र हम देख रहे हैं, कि एडमिशन फीस का हम देख रहे हैं कॉस्ट सेंटर वाइज और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी किस क्लास से कितने की एडमिशन हमें फीस रिसीव हुई है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, आज हमने इस अकाउंटिंग मेंटेन करी है स्कूल्स की, इसे हम एक्सेल में किस तरीके से जनरेट करेंगे, यानी कि इसकी बैलेंस शीट हम एक्सेल में किस तरीके से बढ़ाएंगे, इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक्सेल में हम किस तरीके से तैयार करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है वो किस तरीके से बनता है और कॉलेज की अकाउंटिंग किस तरीके से मेंटेन की जाती है ये भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके भी आप जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।